अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आप सबके लिए स्पॉन्जी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने सिर्फ चार सामान से बनाया है। इसमें वनीला एसेंस नहीं चाहिए, कोको पाउडर नहीं चाहिए, सूजी नहीं चाहिए। आप मतलब जितने भी सामान आपके घर में अवेलेबल हैं, आप उनसे ही ये टेस्टी सा केक बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इससे पहले आपको आगे साइड से दिखाया, मैं आपको पीछे साइड से भी दिखाया है कितना स्पॉन्जी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी ये होता है। चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं चार अंडे ऐसे ही फोड़ लूँगी, मतलब निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पे चारों अंडे निकाल लिए हैं, तो इसका पीला वाला पार्ट मैं अलग कर लूँगी, किसी अलग बर्तन में रखूँगी। इसको भी यूज़ करना है, इसको फेंकेगा नहीं। अब ये वाइट वाले पार्ट को मैं वेस्ट करूँगी, या आप दाल घोटनी से इसको तब तक घोटेगा जब तक इसमें फोम ना आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, फोम आना स्टार्ट हो गया, मतलब जो झाग हमको चाहिए। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इस केक के लिए। तो इसको कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट तक हमें विस्क से ब्लेंड करना पड़ेगा। और अगर आप दाल गुट्टी से करेंगे तो उसे कंटिन्यूसली 5 मिनट करिएगा, उससे 5 मिनट में ये हो जाएगा। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने देखिए आपको फॉरवर्ड करके दिखाया है, इसी तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा फोम में कन्वर्ट होना। अभी हमें और करना रहेगा तो इस, और हाँ, इसको बना के आप रखिएगा नहीं, क्योंकि बना के अगर आप रखेंगे तो वापस उसी कंडीशन में चला जाएगा। तो आप इसको बना के तुरंत ही यूज़ करिएगा। और बहुत ही सॉफ्ट केक इससे बनता है, इतने कम इंग्रेडिएंट में केक आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं जितने भी रेसिपी बताती हूँ, सारे सामान घर में अवेलेबल होते हैं। ये सब तो नॉर्मली चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होते हैं, उनकी हेल्प से आप एक बहुत ही स्पॉन्जी केक बना सकते हैं, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं लगा है। तो अभी ये तो मेरा तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो पीला वाला पार्ट था उसमें मैं एक कटोरी, आप मेरी कटोरी देख सकते हैं, छोटी कटोरी मैंने लिया है, इसमें एक कटोरी में चीनी डाल दूँगी। चीनी को मैंने मिक्सी में डाल के पीसा है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप दाल रोटी से भी मिक्स कर सकते हैं या इससे भी मिक्स करते हैं। उसके बाद मैदा लेंगे एक कटोरी, फिर आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। ये आप चालना ज़रूरी नहीं है, क्यों, ये एकदम ऑप्शनल है, पर मैंने इसलिए चाला ताकि इसमें जो बड़े पार्ट रहे, मतलब जो लम्स रहे वो ना जाए। तो मैंने वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। वनीला एसेंस भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। उसके बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने उसको भी देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो मैंने फोम तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से इसको मैं चलाते रहना है। जब आप फोम डाल के इसको मिक्स करेंगे तो ये बैटर थोड़ा पहले थिक रहता है, तो ये सॉफ्ट होने लगेगा, जैसा हमें चाहिए वैसे ही होने लगेगा। तो साइड साइड का हमें निकालते भी रहना है। देखिए, मैंने सारा फोम डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। देखिए, इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। आपको है होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी केक बनता है। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा तेल डाला है। अब इसको अच्छे से हाथ के ही हेल्प से मैं ऑयलिंग करूँगी। आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं सारे घर के सामान यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें हाथ से ही ऑयलिंग करूँगी। और दाल घुटनी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया था। अब ये देखिए, मैंने इसमें ऑयलिंग कर लिए, तो अब मैं इसमें अपना बैटर डालूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा मैदा इस पर छिड़का था, आप चाहें तो छिड़क सकते हैं, वरना ये नॉनस्टिक पैन है तो इसमें वैसे भी हमारा बैटर चिपकेगा नहीं। और हाँ, नीचे अगर आप बटर पेपर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो देखिए, बैटर हमको जैसा चाहिए एकदम वैसे ही इसकी कंडीशन है, तो पूरा हमें इसमें डाल लेना है।
अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, आप कोई सिंपल बर्तन में ही बना रहे हैं, तो आप उसमें रख के पहले इसको एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कम से कम रखिएगा, एकदम लो फ्लेम पे। उसके बाद आप कोई मोटा तावा रख के उस पे रख दीजिएगा, तो ये आराम से बन जाएगा। तो मैंने ये इसमें जो टूटी फूटी डाला है, ये ज़रूरी नहीं है आप भी डालें, मैं तो ऐसे ही इसको डाल रही हूँ, ये सब बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब ये मेरा बैटर तैयार है, अब मैं इसको फ्लेम पे रखूँगी और उसको लो फ्लेम पे मुझे कम से कम 20-30 मिनट ही इसको बेक करना है, एकदम लो फ्लेम पे। तो इसको ढक के हम पकाएंगे, ऐसी चीज़ से ढकेगा ताकि इसकी हवा बाहर ना निकले। तो देखिए मेरा 20 से 30 मिनट हो गया है, केक मेरा एकदम रेडी है। ये साइड से भी देखिए मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए इसने छोड़ दिया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है जैसा हमें चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ चेक करके, ये देखिए। आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना किसी भी सामान का यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। मैंने इसको बाहर भी निकाल लिया, बाहर निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप उसको पलटेंगे वो आराम से निकल जाएगा। बहुत स्पॉन्जी केक बना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये केक बनाया है। ऐसे ही रेसिपी मैं आप सबके लिए हमेशा लेके आती हूँ, जो बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब भी आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी लगी कैसे। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।